हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सादा। सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकॉन। हमारे पास ये 3 टाइप का कप व्हील है जो कि रस्ट रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये सबसे पहले जो कप व्हील है वो स्टील वायर का कप व्हील है, जिसे हम ट्विस्ट कप व्हील भी बोलते हैं, जो कि रस्ट को रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये कप व्हील ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए हम ये वहाँ यूज़ करते हैं यहाँ रस्ट की लेयर ज़्यादा हो, यहाँ ज़्यादा रस्ट स्टील के ऊपर मौजूद हो, हम वहाँ इसको यूज़ करते हैं ताकि ये इजीली हार्ड लेयर को रिमूव कर सके। नेक्स्ट हमारे पास कॉपर वायर का ये कप व्हील है, जो कि रस्ट को, यानी कि जो थिन लेयर हो रस्ट की, उसको इजी से रिमूव कर सकता है। जैसे कि अल्मोनियम, गलवनाइज स्टील के ऊपर हमारे पास ज़्यादा रस्ट ना हो, हल्का रस्ट उसके ऊपर हो, तो हम इसको इस कप व्हील से इजीली रिमूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये भी सेम स्टील वायर का है, इसका साइज बड़ा है, इसलिए ये वहाँ यूज होता है जहाँ आपके पास ज़्यादा हार्ड लेयर है, वहाँ हम इस कप व्हील को यूज करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए हम इसको कंक्रीट रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये जो डिस्क है ये इसको ड्रिल में यूज करने के लिए है। हम अभी कप व्हील को ग्राइंडर के साथ फिक्स करते हैं, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। इसको लाजमी हम रिमूव करेंगे, अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये कप व्हील ग्राइंडर में फिक्स नहीं होगा। ठीक है, ये अब फिक्स हो गया। ठीक है, फिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, या इनसाइड की तरफ रस्ट को रिमूव करना है तो आप ये सेफ्ट गार्ड रिमूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये सेफ गार्ड को रिमूव करके आप इजीली काम कर सकते हैं। स्टील है, प्लेट है या कुछ और चीज़ प्लेन है तो हम इसको इजीली ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करेंगे, देखें, स्टार्ट करते हैं अब रस्ट को रिमूव करना। आप देख सकते हैं रस्ट को कैसे हमने रिमूव किया। देखिए, एक साइड पे रस्ट है, अभी एक साइड पे हमने रिमूव किया, आप देख सकते हैं। अगर ज्यादा इसको शाइन देना चाहते हैं तो आप इसको, ग्राइंडर को हम 2-3 बार इस पर यूज करेंगे ताकि इसका और शाइन हो, ताकि आप कोई भी इसको पेंट कर सकते हैं। अगर आपने पेंट करना है, आपने ऐसे ही फिक्स करना है तो हम ऐसे ही फिक्स कर सकते हैं। अभी ये रस्ट इजीली रिमूव हो गया।
बिल्कुल प्लेन अभी लगा। अगर आप ज़्यादा इसको शाइन करना चाहते हैं, और ज़्यादा शाइन करना चाहते हैं, आप और इसको 2-3 टाइम ग्राइंडर इसके ऊपर यूज़ करेंगे तो इजीली ये और ज़्यादा शाइन होगा। बस अब हम इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हम दूसरा डिस्क को यूज़ करेंगे। अब हम ये कॉपर वायर का कप व्हील यूज करेंगे। ये कप व्हील हम यहां नहीं यूज कर सकते, इसलिए ये हार्ड वायर का है, इसलिए यहाँ यूज़ करेंगे तो ये डैमेज हो सकता है। अब हम यहाँ कॉपर वायर का कप व्हील यूज़ करेंगे। देख रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी कितना स्मूथली इजीली क्लीन हो गया। इस तरीके से हम रस्ट को इससे रिमूव कर सकते हैं। कॉपर वायर का और स्टील वायर का कप व्हील को कैसे यूज कर सकते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं रस्ट बहुत ही थिन लेयर में है। आप इसको बिल्कुल स्मूथली इजीली इस कॉपर कप वायर से हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इजीली हम रस्ट को यहां से रिमूव किया है, बिल्कुल इजी।